मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड बनाना रोल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड के स्लाइस, 4 केले, 2 चम्मच जैम, चॉकलेट सिरप और बटर। सबसे पहले हम चारों ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करेंगे। ये हमने सभी चारों ब्रेड के कॉर्नर्स को इस तरह कट कर दिया है। अब हम एक ब्रेड के स्लाइस को लेकर उसे इस तरह प्रेस करते हुए बेल लेंगे। ये एक हमने ब्रेड इस तरह बेल कर तैयार कर लिए है। इसी तरह हम बाकी ब्रेड के स्लाइस को भी बेलेंगे। हमने चारों ब्रेड को बेल कर इस तरह तैयार कर लिया है। अब हम एक ब्रेड के स्लाइस को लेकर इस पर हम चॉकलेट सॉस लगा देंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। फिर हम एक केले को लेकर उसे दोनों तरफ से कट करेंगे और इसे ब्रेड के स्लाइस के बराबर का बना लेंगे और ब्रेड के स्लाइस पर रखकर ऊपर से फोल्ड करते हुए इस तरह हम इसका रोल बनाएंगे। ये हमने एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक और ब्रेड के स्लाइस को लेंगे और इस पर हम फ्रूट जैम लगाकर अच्छे से फैला देंगे। अगर चॉकलेट सॉस नहीं है आपके पास तो इस तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इस पर भी हम केले को कट करके ब्रेड पर रखकर इसका रोल बनाएंगे। ये हमने दो रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह बाकी दो बची ब्रेड के भी हम रोल बनाएंगे। ये हमने चारों ब्रेड के रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। दो रोल हमने चॉकलेट के बनाए हैं और दो रोल हमने जैम के बनाए हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और पैन में थोड़ा सा बटर डालकर पैन को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर इस पर हम चारों रोल को रख देंगे। और थोड़ा सा बटर हम इनके ऊपर लगा देंगे और इन्हें हम हल्का सा सेक लेंगे। हमने इन्हें एक मिनट के लिए अलट पलट कर सेका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही या इन्हें कट करके सर्व करें। ये हमारे बहुत ही टेस्टी ब्रेड बनाना रोल बनकर तैयार हैं। इन्हें आप बच्चों के लिए फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसी तरह कट करके उनके टिफिन में भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।